हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है एल्काइल अमाइंस केमिकल्स। अगर हम बात करें ये स्टॉक से रिलेटेड, कुछ दिन पहले ही, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट वीक ही हमने एक वीडियो बनाई थी और इससे स्टॉक से रिलेटेड बातें करी थी। और उस टाइम इस स्टॉक का प्राइस की अगर हम बात करें तो अबाउट यहाँ पर ये स्टॉक चल रहा था 3928 के आसपास। एट दैट टाइम आई बॉट दैट स्टॉक्स और मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी और बताया भी था। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो लगभग 4500 रुपीज तक ये शेयर 2 दिन में ही जाता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद से कंटिन्यूस गिरावट आती हुई नजर आ रही है। और मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें करेंगे, जानेंगे इस स्टॉक्स में क्या करते हैं, और उस वीडियो का भी लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा ताकि आपको एक बार उस वीडियो में जाके आप एक बार देख सके। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉरएवर जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। दूसरे वीडियो जो कल की डेट में यहाँ पर 3 वीडियोज बनाए गए थे, इन वीडियोज की तरफ को देखिए। अच्छा खासे यहाँ पर टारगेट्स एज वेल एज अच्छा खासे स्टॉक्स है जो आपको अच्छे खासी कमाई करके देंगे इस साल में। और प्लेलिस्ट है, इसे जाके गो थ्रू करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको आप समझ सके, सीख सके कि किस तरीके से आप एनालाइज करके स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं और एक मल्टी बैगर रिटर्न, चाहे यहाँ पर बुल मार्केट हो या ना हो, आप इजिली कमा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। तो एल्काइल अमाइंस की अगर हम बात करें तो देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये जो अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर 5 डेज पहले ही देखिए यहाँ पर तब से यहाँ पर एक गिरावट होती हुई नजर आ रही है। लगभग 6 से 7% यहाँ पर गिर चुका है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर वीडियो बनाई थी इसकी, और इसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ पर जंप थी स्टॉक्स में। और इस स्टॉक्स ने अगर हम बात करें पिछले एक साल में एक मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए नजर आया है, और यहाँ पर स्प्लिट भी हुआ था जिसकी वजह से आज की डेट में आपको प्राइस यहाँ पर 4100 के आसपास दिखाई दे रहा है। स्प्लिट के बाद शेयर थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया था, फिर उसके बाद भागता हुआ नजर आ रहा है ये शेयर। और मुझे क्या लगता है दोबारा यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप यहाँ पर इस शेयर में आ सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड, तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से यहाँ पर ये स्टॉक देखिए केवल भागना ही जानता है, गिरना बिल्कुल भी नहीं जानता। और जब जब इसमें थोड़ी सी भी गिरावट आती है, ओके, थोड़ी सी का मतलब केवल थोड़ी सी से ही बात कर रहा हूँ, जब भी इसमें 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 की गिरावट आती है, फिर उसी स्पीड से ये भागने लग जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ गिरावट थोड़ी सी आई, फिर भागा, फिर थोड़ी सी गिरावट आई, फिर भागा, फिर थोड़ी सी गिरावट आई, फिर भागा, फिर थोड़ी सी गिरावट। तो इस तरीके से ये थोड़ी थोड़ी गिरावट करके भागता है। और ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के व्यू से रखना चाहिए, और ये स्टॉक्स फिर दोबारा आपको मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, फिर यहाँ पर मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। 5 साल में 3200% के रिटर्न दिए हैं। इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और यहाँ पर देखें तो 1 साल के अंदर अंदर कितने परसेंट के रिटर्न दिए हैं वो भी आपको समझ में आएगा, लगभग 800-900% के रिटर्न। तो ये छोटे मोटे रिटर्न नहीं होते। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 52 वीक लो की, तो 1138 रुपए का शेयर था 3 नवंबर को, इसका 4749 का नजर आ रहा है। और 27 जुलाई को, जो कि आपने यहाँ पर कुछ टाइम पहले था, इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट तब से नजर आ रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो 59% की डिलीवरीज यहाँ पर उठाती हुई दिखाई दी थी, कब, यहाँ पर लास्ट यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन मतलब कल के दिन देखिए। और इसके अलावा हम और भी कुछ पैरामीटर्स देखें तो कंपनी यहाँ पर देखिए 75% तक के शेयर, 74% के शेयर यहाँ पर होल्ड करती है। डिविडेंड यहाँ पर अच्छा खासा देती हुई नजर आती है। यहाँ पर देखिए फिलहाल में यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, जितने भी शेयर इनके पास खुद के है। और कंपनी की बात करें कि कंपनी करती क्या है, तो कंपनी पर देखिए कंपनी एग्रोकेमिकल्स में काम करती हुई नजर आती है, जो कि आपको पता ही है कि कितना यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर ये केमिकल्स तो बिचेंगे ही। फार्मास्यूटिकल्स ऑब्वियसली बात है, हम लीडर है, हम इवन हम फॉरेंस में यहाँ पर बेचते हुए नजर आते हैं। फार्मा की हमारे पास बहुत सारी कंपनीज है जो फॉरेन में भी डील करती हुई नजर आती है, उसके लिए केमिकल्स बनाता है। इसके अलावा रबड़ केमिकल्स आपको पता ही है, भारत रबड़ केमिकल्स में भी यहाँ पर अच्छा खासा शेयर रखता है। पेंट एंड डाइंग्स में, और यहाँ पर बात करें वाटर ट्रीटमेंट, मतलब ये 5 इंडस्ट्री है जहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। फाइन केमिकल्स बनाती हुई नजर आती है, एमाइन ड्राइव्स बनाती हुई नजर आती है, यहाँ पर देख सकते हैं एमाइड, हाइड्रोक्लोराइड्स मिक्स एमाइंस, एज वेल एज यहाँ पर बात करें एल्फैटिक एमाइंस की,
तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर नाम है, ये सारे के सारे MIs यहाँ पर कंपनी बनाती हुई नजर आती है। तो कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफी बिग कंपनी है, तो इस कंपनी की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर और भी कुछ पैरामीटर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर एल्फेटिक MIs इन इंडिया। एल्फेटिक MIs आवर प्रोडक्ट्स डिलीवर फ्रॉम अमोनिया बाय डिस्प्लेसमेंट इन H2 इन द अमोनिया मॉलिक्यूल बाय द अदर रेडिकल्स सच एज मिथाइल इथाइल एंड प्रोपाइल। तो ये कंपनी में काम करती नजर आती है। इन पर्टिकुलर केमिकल्स में 100+ प्रोडक्ट्स है एंड मोस्ट डेवलप्ड इन हाउस ग्लोबल लीडर है इन इथाइल एमाइंस में एंड वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स ग्लोबली इन DEHA। तो मतलब अलग अलग चीजों में ये कंपनी अगर हम बात करें तो लीडिंग भी यहाँ पर लीडर की पोजीशन भी ले रखी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप की तो देखिए मिड कैप कंपनी 21,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। यहाँ पर अगर बात करें ROC ROE तो 55% और 44% का यहाँ पर ROC ROE है। डेट की बात करें तो डेट यहाँ पर डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं, कोई यहाँ पर प्लेजिंग नहीं है। ये सारे पॉइंट्स इससे बताते हैं कि कंपनी की कितनी यहाँ पर बेहतरीन हमें नजर आती है। इसके अलावा कुछ पैरामीटर्स की और बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर स्टैंड अलोन इसके नंबर से सेल्स की बात करते हैं। तो देखिए एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है इसमें और इसके बाद अभी की जो सेल्स यहाँ पर आती है पिछले 3 क्वार्टर की और इस क्वार्टर की तो हाईएस्ट एवर सेल्स है और पिछले 3 क्वार्टर की बात करें तो हाईएस्ट एवर नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बताते हैं कि कंपनी कितनी बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है। एज वेल एज यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंसोलिडेट नंबर तो कंसोलिडेट नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी यहाँ पर ग्रो हमेशा ग्रो मैनर में रही है और पिछले 2 क्वार्टर से बेहतरीन नंबर। इसके अलावा ईयरली बेसिस पे भी बात कर रहे हैं कंपनी तो यहाँ पर देख सकते हैं 197 करोड़ का यहाँ पर सेल्स, यहाँ पर 993 करोड़ की सेल्स जो कि हाईएस्ट एवर है। और ईयरली को बेसिस पे बात करें यहाँ पर पिछले 10 साल में 6 करोड़ की प्रॉफिट 201 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो गया है। और ईयरली बेसिस पे अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्टैंडर्ड लॉन नंबर तो यहाँ पर देखिए 10 करोड़ का प्रॉफिट 321 करोड़। तो ये सब चीज क्या बताती है, ये सब चीज बताती है कंपनी को ग्रो करना आता है, कंपनी केवल भागना जानती है। और जो कि हमने यहाँ पर इसके चार्ट पैटर्न से भी देखा है। रिजर्व्स की बात करें कंपनी का 782 करोड़ के रिजर्व्स है, 48 करोड़ की थोड़ी सी यहाँ पर बोराइंग है। इन्वेस्टमेंट की बात करें यहाँ पर 30 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग प्रोग्रेस में 138 करोड़ रुपीज अभी भी लगे हुए हैं। जो 138 करोड़ रुपीज यहाँ पर एड होंगे तो ऑब्वियसली बात है इनकी सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैश की बात करें 126 करोड़ रुपए इसका इनके पास कैश भी है, जो कि सबसे अच्छी बात है। और जो भी पैसा इनके पास आता है वो इनकी बुक में दिखाई देता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ROC की बात करें तो ROC देखिए कभी कम नहीं हुई, हमेशा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। 14% से लेके 56% की यहाँ पर ROC बढ़ती हुई नजर आ रही है साल दर साल। और प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी हैंडसम होल्डिंग है 74% की। FIs की बात करें FIs ने यहाँ पर देखिए इस क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ाई है, 1.03% की हिस्सेदारी है। DIs की बात करें DIs ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है जो कि FIs ने ले ली है। इसके अलावा पब्लिक की बात करें उनके पास देखिए हिस्सेदारी 23.77% है, जिसमें से बड़े बड़े लोग एज वेल एज ऑपरेटर एंड सभी यहाँ पर नजर आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया था यहाँ पर चार्ट पैटर्न क्या कहता है कि जब भी ये शेयर देखिए ऊपर की तरफ जब भागता हुआ दिखाई देता है एक साथ देखिए कंसिस्टेंट रैली दिखाता है, इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट होती है और 50 DMA या उसके थोड़ा सा नीचे आके फिर भागता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए जब जब 50 DMA के आसपास यहाँ पर शेयर आ रहा है ये भागता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर 50 DMA के आसपास आया ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पर 50 DMA के आसपास आया फिर भागता हुआ दिखाई दिया, फिर थोड़ा सा गिरावट हुई यहाँ पर 50 DMA के आसपास ये शेयर आया, यहाँ पर मैंने आपको बाइंग की सलाह दी और यहाँ पर देखिए फिर शेयर भागता हुआ दिखाई दिया। फिर दोबारा हम देखें तो देखें यहाँ पर 50 DMA मुझे लग रहा था कि ये एक दिन और गिरेगा बट यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिर के दोबारा यहाँ पर इसने रिवर्स कैंडल यहाँ पर दिखा दी है। तो यहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स करके यहाँ पर इस शेयर की तरफ ध्यान दे सकते हैं, ये शेयर आपको फिर दोबारा एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की पूरी काबिलियत रखता है। तो थोड़ा सा इन शेयरों की तरफ ध्यान दीजिए, ये शेयर मल्टी बैगर शेयर है, ओके अच्छे खासे चलते हैं और जब चलते हैं तब ये सबसे अच्छे रिटर्न यही शेयर है जो आपको देखते हुए दिखाई देते हैं और आगे भी यही शेयर है जो आपको यही रिटर्न्स देते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जब ये पैंडमिक में ये शेयर आया था गिरा था तो यहाँ पर 700 से यहाँ पर थोड़ा सा गिरता हुआ 30-40% ही गिरता हुआ नजर आया, ज्यादा गिरा भी नहीं था। फिर उसके बाद से एकदम इसने रैली दिखाई और केमिकल्स का आजकल बोलबाला है और ये केमिकल्स यहाँ पर चलते ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पर अब इंडिया अलग ही दिशा में
भाग रहा है, अलग इंडिया बनता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा अपनी कंट्री पे, जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा था ना कि अपनी कंट्री के लिए बिलीव इन अमेरिका, ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ बिलीव इन इंडिया, क्योंकि ये शेयर जो जितने भी शेयर है, जो छोटे शेयर हो या चाहे बड़े शेयर हो, ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए नजर आएंगे और बड़ी कंपनीज बनते हुए नजर आएंगे। तो इन शेयरों की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर 40 कुछ पे चल रहा है, 41-31 पे चल रहा है, थोड़ी सी गिरावट होती है फिर लीजिए। और इसका जो पहला टारगेट है वो 4792 रुपीज का, जो कि लगभग लगभग 600 रुपए के आसपास की जर्नी होती है, जो कि छोटी मोटी जर्नी नहीं होती। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रिटर्न फिर दोबारा आपको मल्टीबैगर रिटर्न से ये शेयर देते हुए नजर आएंगे। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और आप उसकी मदद से एज वेल एज हमारी वीडियो की मदद से यहाँ पर आप शेयर को खरीद सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।